हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं बहुत ही चटपटा इंस्टेंट मिर्ची का अचार, जो कि आप अभी बनाकर अभी ही खा सकते हैं। ये अचार इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि आप दो की जगह चार रोटी खा जाएंगे, गारंटी है मेरी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मोटी वाली मिर्ची ली है, ये थोड़ा कम तीखी होती है, इस तरह की मिर्ची लिए। इससे आप थोड़ी मोटी भी ले सकते हो और इससे थोड़ी पतली भी। अगर आपकी मिर्ची थोड़ी सी तीखी है तो आप इस तरह से बीच से कट लगाएं, और जो ये बीच वाला मिर्ची का जो बीज है उसको आप चाहें तो निकाल सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है ये मिर्ची, तो मैं इसको पूरा ही लूँगी। अच्छे से धो लिया था, धो के पोंछ लिया था। पोंछने के बाद इस तरह से हम बीच से इसको चीरा लगा लेंगे। तो चलिए, सारी मिर्ची को हमने चीरा लगा के तैयार कर लिया है। कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, तो 2 चम्मच ही के करीब डाला होगा सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के करीब राई या सरसों के दाने, और इसको हम चटकने के लिए देंगे। तो राई देखिए यहाँ पे चटक गई है अच्छे से। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच ही साबुत ज़ीरा, और ये भी चटक गया है अच्छे से। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के ही करीब हींग, तो से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो हींग स्किप नहीं कीजिए। और इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून ही कलौंजी, और कलौंजी डालते ही हम ऐड कर देंगे जो मिर्ची चीरा लगा के रखा था उसे, और डाल के हम थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। तो देखिए कलर चेंज होने लग गया है मिर्ची का, आँच को बिल्कुल हमने कम पे कर दिया है। ऐड किया है इसमें नमक, तो नमक हिसाब से डालिए क्योंकि इसमें थोड़ा काला नमक भी जाएगा। थोड़ी सी हल्दी डाली है, और डाल के इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं। तो यहाँ पर मिर्ची थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, और इसमें अब हम ऐड करेंगे बाकी के सूखे मसाले। 1 चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और डालेंगे हम 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर। तो सौंफ का पाउडर बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है, तो डालिएगा ज़रूर। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिर्ची के साथ मिक्स कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून से भी काला नमक, और साथ में ऐड किया है यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच खटाई के लिए आमचूर पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर लगभग 2 चम्मच के करीब मैं पानी डाल रही हूँ, तो मसाले जले नहीं, इसके लिए यहाँ पे 2 छोटा चम्मच में पानी ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके हम ढक्कन को लगा के लगभग 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए, मिर्ची हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है, और इसमें डालना है 1 नींबू का रस। तो नींबू का रस डालने से इसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है, और ये काफ़ी दिनों तक आप आराम से इसे फ्रिज में रख कर भी खा सकते हैं। नींबू का रस नहीं है तो आप यहाँ पे सिरका का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन को लगा के अगर टाइम हो तो 2 घंटे के लिए रहने के लिए दें, या फिर आप इंस्टेंट टेप इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना चटपटा ये मिर्ची का अचार बनकर तैयार हुआ है। आप चाहे तो इसे रोटी पराठे के साथ खाएँ, या फिर दाल चावल के साथ खाने का टेस्ट डबल हो जाएगा। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कम्प्लीटली फ्री है। कमेंट करके ज़रूर बताइए रेसिपी कैसी लगी। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसी कुछ खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।